अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: चिकन 1 किलो, प्याज दरमियाने साइज़ के 2 अदद, टमाटर 2 अदद, दही 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, तेल 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, क्रश जीरा 1 टेबल स्पून, क्रश धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, उसे हाथों से धरधरा आपने क्रश कर देना है। सबसे पहले एक पैन में हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो अनियन डाल देने हैं। अनियन हमने गोल्डन फ्राई करने हैं। अनियन हमारे हो चुके हैं, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन के साथ अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। अब हमें इसे 2-3 मिनट तक भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो हमें टमाटर ऐड कर देने हैं। अभी हमने इसमें मसाले डालकर मिक्स कर देने हैं। अब हमने इसमें दही और क्रीम डाल देनी है। अब हमें इसको दरमियानी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाना है। पंद्रह मिनट के बाद हमें इसको थोड़ी 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। इसमें हम हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डालकर 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है, इसे हम डिश आउट करेंगे।